गुड मॉर्निंग क्लास, माय नेम इज दीपाली गुप्ता। आज हम पढ़े हैं क्लास 8, सब्जेक्ट हमारा मैथ और चैप्टर चल रहा था हमारा 5 के पार्ट 1 में और पार्ट 2 में हम चैप्टर को पढ़ चुके हैं। पार्ट 3 में हम अपना बचा हुआ चैप्टर पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम पढ़ रहे थे फसलें, प्रमुख फसलें। हमने पढ़ा जो फसलें होती हैं वो कितने प्रकार की होती है, 3 टाइप्स की थी हमारी। नंबर एक थी हमारी नकदी फसलें, नंबर एक थी हमारी खाद्य फसलें। जो फसलें हम खाने में यूज़ करते हैं वो हमारी खाद्य फसलें थी, जैसे हमारे अनाज हो गई, दालें हो गई, तिलहन हो गई, पेय पदार्थ हो गए, ये हमारी क्या थी, खाद्य फसलें। नंबर दो थी हमारी नकदी फसलें। नकदी फसलें जो हमने पार्ट 2 में लास्ट टाइम पढ़ी थी, आपको अच्छे से याद होगा, हम नकदी फसलें पढ़ रहे थे। नकदी फसलें ये हमारी दो टाइप्स की होती हैं, जो इसलिए कब पहले तो नकदी फसलें होती क्या है, देखिए नकदी फसलें वो फसलें होती हैं जिन्हें हम पैसे पाने के उद्देश्य या व्यवसाय करने के उद्देश्य से बोते हैं। जैसे गन्ना हो गया, गन्ना कभी भी हम खाने के लिए नहीं बोते, गन्ने से क्या बनती है, चीनी, और चीनी बनाने के लिए हमें गन्ने को कहाँ बेचना पड़ता है, मील पर। तो यानी हम बेचने के लिए ही गन्ने को बोते हैं, तो ये कौन सी कृषि कहलाती है, हमारी व्यवसायिक कृषि। फिर आती है हमारी व्यवसाय नकदी कृषि में ही रबड़। रबड़ की जो खेती होती है, आपको पता है रबड़ का यूज़ कहाँ होता है, हम अपने आसपास करते हैं, लेकिन कब, जब ये हमारे पास तैयार होके आता है। जैसे चीनी जब तक तैयार नहीं होगी हम गन्ने को तो यूज़ नहीं कर सकते चीनी की जगह, तो ऐसे ही है रबड़ के जो पौधे उगाए जाते हैं उनको हम बाजार में बेचते हैं, फिर इनसे रबड़ का उत्पादन होता है वो हम यूज़ करते हैं। तो ये दो ऐसी फसलें थी जो कैसी थी, हमारी नकदी फसलें। तो चलिए हम रबड़ के बारे में पढ़ते हैं आज। पहले रबड़ के वृक्ष से लेटेक्स नामक दूध जैसा द्रव प्राप्त किया जाता है, इससे रबड़ बनाई जाती है। लेटेक्स वृक्षों के तनों पर चीरा लगाकर प्राप्त किया जाता है, फिर इसे फैक्ट्री में संशोधित किया जाता है। रबड़ के वृक्ष लगभग 30 से 40 वर्ष तक उत्पादक रहते हैं, यद्यपि कुछ वृक्ष 70 से 80 वर्ष तक उत्पादक रह सकते हैं। देखिए कितने वर्षों तक ये रबड़ के पौधे उत्पादक करते हैं। पौधों द्वारा रबड़ का उपयोग मुख्यतः टायर, ट्यूब तथा अन्य पदार्थों के निर्माण में किया जाता है। देखिए आपने अपने आसपास देखा होगा जो रबड़ की बनी हुई वस्तु होती हैं, इसमें आपने एग्जांपल भी पढ़ा है, टायर है, ट्यूब है, और भी बहुत सारी वस्तुएं जो हम अपने आसपास देखते हैं जिसमें रबड़ का यूज़ होता है। लेकिन वो रबड़ का यूज़ होता कब है, जो पेड़ होते हैं हमारे उनमें से जो दूध जैसा लिक्विड पदार्थ निकलता है वो जो किसान होते हैं वो क्या करते हैं, बेच देते हैं, और फिर जो फैक्ट्रियाँ होती हैं रबड़ बनाने वाली वो उनसे क्या करती हैं, रबड़ का निर्माण करती हैं। रबड़ की कृषि के लिए गर्म व नम जलवायु, लगभग 30 सेंटीग्रेड तापमान तथा लगभग 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है। यह गहन श्रम फसल है, अर्थात इसमें गहन कृषि की आवश्यकता होती है। रबड़ की कृषि मुख्यतः इंडोनेशिया, श्रीलंका, पूर्वी इंडीज, ब्राज़ील आदि देशों में होती है। भारत में इसकी पैदावार केरल में की जाती है। देखिए भारत में एक ही राज्य बताया गया है जहाँ पर इसे बोया जाता है, कहाँ है वो, केरल। फिर हमारी नंबर 3 रेशेदार फसलें। देखिए हम दो फसलों के बारे में पढ़ चुके हैं, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ। नंबर 1 खाद फसलें, नंबर 2 हमारी नकदी फसलें थी, अब आती है हमारी रेशेदार फसलें। देखिए रेशेदार फसलें वो फसलें होती हैं जो किसी उद्देश्य से उगाई जाती हैं, जैसे कपास, जूट, यानी जो रेशे होते हैं ना, फैब्रिक जिन्हें हम कपड़े के रूप में इस्तेमाल करते हैं। तो आपको ने देखा होगा कि हमारे जो कपड़े होते हैं वो अलग अलग रेशों से निर्मित होते हैं, जैसे कोई से आपने देखा होगा कॉटन का है यानी कपास से बना हुआ, कोई रेशम का है। तो ये चीज़ जो खेती होती है ये हमारी रेशेदार खेती कहलाती है। चलिए इसे पढ़ लेते हैं हम। रेशेदार फसलों को नकदी फसलों में वर्गीकृत कर सकते हैं क्योंकि ये बेचने के उद्देश्य से उगाई जाती हैं। मुख्य रेशेदार फसलें कपास, जूट तथा रेशम है। रेशेदार फसलों के साथ साथ ये रेशे सब्जियों, जंतुओं, खनिजों तथा रसायनों से भी प्राप्त किए जाते हैं। वनस्पति रेशे पौधों के बीजों, तनों, पत्तियों तथा फलों से प्राप्त किए जाते हैं। जंतु रेशे कीड़ों जैसे रेशम के कीड़े तथा जंतुओं जैसे भेड़, बकरी, लामा या खरगोश, रेंडियर तथा ऊंट से प्राप्त किए जाते हैं। तो देखिए आपको बता दिए
किस किस से कौन कौन से रेशे प्राप्त किए जाते हैं, भेड़ से जैसे ऊन वगैरह होती है आपको पता होगा, और रेशम के लिए हम रेशम कीट को पालते हैं। चलिए अब पढ़ते हैं कपास के बारे में। कपास सबसे महत्वपूर्ण रेशेदार फसल है, इसे बड़े पैमाने पर बोई जाती है तथा वस्त्र उद्योगों द्वारा उपयोग की जाती है। इसके अतिरिक्त इस फसल के अन्य उपयोग भी हैं। विश्व में कपास की सर्वप्रथम खेती सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान की गई। वर्तमान में यह बहुत से उष्णकटिबंधीय तथा उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में बोई जाती है। इसे चुनने के समय मौसम गर्म तथा प्रकाशमय होना चाहिए। इसकी अच्छी पैदावार के लिए लगभग 200 सेंटीग्रेड तापमान तथा 80 से 120 सेंटीमीटर औसत वर्षा की आवश्यकता होती है। इसकी उपज के लिए उपजाऊ दोमट मिट्टी उपयुक्त होती है। प्रायद्वीपीय भारत की काली मिट्टी इसकी उपज के लिए अत्यधिक उपयुक्त है। कपास को उसके रेशे की लंबाई के अनुसार वर्गीकृत किया गया है, जैसे लंबे रेशे वाली कपास, मध्यम रेशे वाली कपास तथा छोटे रेशे वाली कपास। देखिए कपास को इन्होंने तीन वर्गों में विभाजित कर दिया, एक जिसके रेशे लंबे होते हैं वो लंबे रेशे वाली, जिसके मिडिल होते हैं मतलब कि मध्यम होते हैं वो मध्य रेशे वाली, और जिसके छोटे छोटे रेशे होते हैं वो होती है हमारी छोटे रेशे वाली कपास। इसका रेशा जितना लंबा होता है उतना ही उत्तम कपड़ा तैयार होता है। सबसे अच्छे कपास के रेशे की लंबाई लगभग 5 सेंटीमीटर होती है। देखिए इसमें क्या बताया गया है, कपास जितना भी हमारा लंबा होगा उतना ही जो हमारा कपड़ा होगा उसकी जो क्वालिटी होगी, जो गुणवत्ता होगी वो उतनी ही अच्छी होगी। और सबसे अच्छा जो हमारा रेशा होता है लंबा, उसकी लंबाई कितनी बताई गई है यहाँ पर, देखिए कितनी है, 5 सेंटीमीटर। चलिए आगे पढ़ते हैं। चीन कपास का उत्पादन करने वाला विश्व का सबसे बड़ा देश है। इसके बाद संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, मिश्र तथा भारत आते हैं। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका तथा मिश्र सर्वोच्च गुणवत्ता वाली कपास का उत्पादन करते हैं। यहाँ अधिकांश कपास चुनने का कार्य मशीनों द्वारा किया जाता है। चीन, भारत तथा पाकिस्तान छोटे रेशे वाले कपास का उत्पादन करते हैं जो अभी भी हाथों द्वारा चुना जाता है। भारत में यह मुख्यतः दक्खन के पठार के पश्चिमी अर्धभाग में उगाया जाता है। महाराष्ट्र इसका सबसे बड़ा उत्पादक है। पंजाब, हरियाणा तथा राजस्थान लंबे रेशे वाली कपास का उत्पादन करते हैं। फिर आता है हमारा जूट। जूट एक मजबूत भूरा रेशेदार पदार्थ है। यह अपने रंग तथा बहुमुखी उपयोग के कारण स्वर्ण रेशे के रूप में प्रसिद्ध है। भारत तथा बांग्लादेश साथ साथ इसके उत्पादन पर एक अधिकार रखते हैं। जूट के रेशे जूट के पौधों की छाल से प्राप्त होते हैं, जिन्हें लगभग 2 से 3 सप्ताह तक पानी में भिगोकर रखने के बाद उतारा जाता है। देखिए जूट का पौधा क्या, जो रेशे होते कैसे तैयार होते हैं, वो जूट का पौधे को पानी में डुबा देते हैं और जिनसे 2 या 3 सप्ताह के बाद ये तैयार किए जाते हैं। ये रेशे रस्सी, बोरी, वस्तु की पैकिंग आदि में भी प्रयोग किए जाते हैं। इसे वृद्धि करने के लिए लगभग 30 सेंटीग्रेड तथा उच्च तापमान तथा 150 से लेकर 200 सेंटीमीटर की वर्षा की आवश्यकता होती है। इसे गलाने तथा मुलायम बनाने के लिए बहुत अधिक मात्रा में इससे जल की आवश्यकता होती है। जूट की कृषि में शारीरिक श्रम की आवश्यकता अधिक होती है। देखिए जूट की जो कृषि होती है उसमें क्या होता है, शारीरिक श्रम हमारा अधिक लगता है। जूट को एशिया के भागों जैसे भारत, बांग्लादेश, चीन, म्यांमार, नेपाल तथा थाईलैंड में मुख्य रूप से उगाया जाता है। भारत जूट की कृषि मुख्यतः पश्चिम बंगाल, असम, बिहार, उड़ीसा, त्रिपुरा तथा मेघालय में की जाती है। अब नेक्स्ट आता है हमारी पेय फसलें। पेय फसलें जैसे यहाँ नाम से ही आपको पता चल रहा होगा, जो फसलें आप पीने के काम में आती है, मतलब जैसे चाय हो गया, कॉफ़ी हो गया, कोको पाउडर हो गया, ये हमारी जितनी भी फसलें ये हमारी पेय फसलें कहलाती है, क्योंकि हम इनका यूज़ कहाँ करते हैं, पीने में। तो देखिए क्या लिखा है इसमें, पेय फसलों का उपयोग मुख्यतः पेय पदार्थों को बनाने के लिए किया जाता है, जैसे चाय, कॉफ़ी, कोको आदि। अब नंबर वन है इसमें चाय के बारे में बताया गया है। चाय विश्व का सबसे पसंदीदा पेय है, जो गरीब तथा धनी सभी लोगों द्वारा उपयोग की जाती है। यह अपने उत्तेजक प्रभाव के कारण सर्वप्रथम चीन में लोकप्रिय हुई। यह अनेक प्रकार की होती है। यह गहन श्रम उद्योग है, क्योंकि इसमें अनेक कार्य जैसे छटाई तथा पत्तियों को तोड़ने के लिए अधिक शारीरिक श्रम की आवश्यकता होती है।
चाय के पौधे गर्म जलवायु तथा भारी वर्षा में वृद्धि करते हैं। हालांकि भूमि का ढलान ऐसा होना चाहिए कि जल रुक ना पाए, क्योंकि जल की स्थिरता पौधों को नष्ट कर देती है, इसलिए इसे पहाड़ों के ढलानों पर लगाया जाता है। भारत विश्व का सबसे बड़ा चाय उत्पादक, निर्यात तथा उपभोक्ता है। देखिए इसमें क्या बताया गया है, भारत जो है क्या है, विश्व का सबसे बड़ा चाय उत्पादक, निर्यात तथा उपभोक्ता है। भारत को सबसे बड़ा बताया गया है चाय के उत्पादक में। इसके बाद चीन तथा श्रीलंका चाय के उत्पादक देश हैं। अन्य चाय उत्पादक देश केन्या, इंडोनेशिया, जापान तथा ताइवान हैं। भारत के उत्तर पूर्वी पहाड़ी ढलानों पर देश का लगभग 98% चाय उत्पादक होता है। चाय हिमालय प्रदेश की दक्षिण कांगड़ा घाटी में नीलगिरी पहाड़ियों की ढलानों पर भी उगाई जाती है तथा कश्मीर घाटी की निचली ढलानों पर भी चाय का उत्पादन होता है। अब आते हैं हम नेक्स्ट कॉफी पर। चाय के बाद कॉफी दूसरा लोकप्रिय पेय है। इसके उत्तेजक प्रभाव के कारण कुछ धर्म इसे नशा मानते हैं, फिर भी यह एक लोकप्रिय पेय है। कॉफी के दो मुख्य प्रकार है, कॉफी अरेबिका या मोका तथा कॉफी रोबस्टा। कॉफी का पौधा उच्च भूमि पर उगने वाला एक विशिष्ट उष्णकटिबंधीय पौधा है। कॉफी इसके पौधों के बीज से प्राप्त की जाती है। कॉफी की कृषि के लिए 15 से 20 सेंटीग्रेड के मध्य तापमान तथा 100 से 150 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। यदि वार्षिक वर्षा 100 सेंटीमीटर से कम हो तो सिंचाई की आवश्यकता होती है। देखिए यहाँ क्या बताया गया, जो कॉफी है आपने देखा होगा, कॉफी के जो बीज आते हैं उनको पीसकर हम कॉफी को प्राप्त करते हैं पहले सुखाने के बाद। और यहाँ पे बारिश बताई गई है कितनी आवश्यकता होती है। चलिए कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, ब्राजील। सर्वोत्तम कॉफी अरब के जमैका तथा यमन से प्राप्त होती है। इसके अन्य प्रमुख उत्पादक कोलंबिया तथा आइवरी कोस्ट है। युगांडा, कैमरून तथा इथियोपिया भी कॉफी की कृषि करते हैं। भारत में कॉफी का उत्पादक कर्नाटक, पश्चिम घाट तथा तमिलनाडु में होता है। नेक्स्ट है हमारा विश्व में कृषि का विकास। 18वीं शताब्दी में औद्योगिक क्रांति के प्रारंभ से ही कृषि के उपायों में निरंतर सुधार किए जा रहे हैं। खादों तथा कीटनाशकों के उपयोग ने आज कृषि के उत्पादन को बहुत बड़े पैमाने पर बढ़ाया है। अब कृषि उत्पादक को बढ़ाने के लिए फसलों की किस्मों में सुधारा गया है। इसके साथ ही हानिकारक कीट तथा खरपतवार की समस्या को भी कम किया गया। हालांकि इस प्रक्रिया में अपने प्रारंभिक चरण में है अभी ही। यहाँ पे क्या लिखा है, अभी देखिए कुछ वर्ड यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहे हैं, वो आप अपनी बुक में देखेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे। विभिन्न देशों में बहुत सी फसलें मुख्यतः बाजार में बेचने के उद्देश्य से या अन्य देशों में निर्यात करने के लिए उगाई जाती है, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका में गेहूं, अफ्रीका में रबर तथा भारत में चाय। विकसित देशों में सभी प्रकार के कृषि कार्यों के लिए बड़े पैमाने पर मशीनों का उपयोग किया जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा तथा रूस में बहुत विशाल भूमि पर कृषकों का स्वामित्व होता है। यहाँ मात्र 3% जनसंख्या अपनी जीविका के लिए कृषि पर निर्भर है। यहाँ कृषि का व्यवसाय से बड़ा उद्योग माना जाता है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका तथा भारत में के कृषि क्षेत्रों के मध्य तुलनात्मक अध्ययन। अब हम थोड़ा तुलनात्मक अध्ययन कर लेते हैं। देखिए दो देश हैं बड़े बड़े, संयुक्त राज्य अमेरिका और हमारा भारत। तो यहाँ पर जो कृषि क्षेत्र हैं उनमें अध्ययन करते हैं किस तरीके से वो एक दूसरे से भिन्न है। अब हम एक प्रकरण अध्ययन से के माध्यम से संयुक्त अमेरिका तथा भारत में हुए कृषि विकास की तुलना करेंगे। हमारी इस तुलना का आधार स्थिति रूप पर्यावरण तथा कृषि पर सामाजिक आर्थिक प्रभाव होगा। नंबर एक है हमारा संयुक्त राज्य अमेरिका में कृषि क्षेत्र। देखिए अब मैंने आपको बताया जो अमेरिका में कृषि क्षेत्र है वो थोड़े बड़े होते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो जनसंख्या है वो कम है और जो उनका क्षेत्रफल है वो अधिक है। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका एक संपन्न किंतु कम जनसंख्या वाला देश है। इसकी जनसंख्या भारत की जनसंख्या से बहुत कम है, किंतु इसका क्षेत्र विस्तार भारत से कहीं अधिक है। अतः यहाँ अधिकांश कृषि क्षेत्र हजारों एकड़ तक विशाल है। यहाँ कृषि क्षेत्र की औसत माप 250 हेक्टेयर है, जबकि भारत में यह 2.3 हेक्टेयर है। यह प्रेरी में स्थित कृषि क्षेत्र की बात कर रहे हैं जिस पर किसी एक कृषक या उसके परिवार का स्वामित्व होता है। यहाँ कृषि कार्यों के लिए शारीरिक श्रम की आवश्यकता नहीं होती। ये कृषक के सभी कार्य जैसे जुताई, बुआई, कटाई, उत्पादों को एकत्रित करना आदि मशीनों द्वारा करते हैं। खेतों में अनाज भंडार के लिए इस्पात, स्टील की लंबी संरचनाएं होती है जिन्हें
साइलो कहते हैं। यहाँ कृषि मुख्यतः व्यावसायिक दृष्टि से की जाती है। आर्थिक अच्छी आर्थिक स्थिति के कारण यहाँ कृषक आधुनिक मशीनों, कृषि आधुनिक तरीकों, उत्तम गुणवत्ता वाली बीजों तथा अच्छी खादों का उपयोग करके अपने उत्पादन को बढ़ाने में सक्षम होते हैं। वैज्ञानिक तरीकों तथा मशीनों के उपयोग ने उत्पादन को इतना अधिक कर दिया है कि इसे देश में बेचने के साथ अन्य देशों में भी निर्यात किया जाता है। सरकार भी कृषि प्रणाली के विकास में एक अहम भूमिका निभाती है तथा कृषक भी सरकार से हर प्रकार का सहयोग प्राप्त कर सकते हैं। वे फसल की बुआई से पूर्व सुनिश्चित कर लेते हैं कि उस फसल के लिए आवश्यक जल तथा मिट्टी उपलब्ध है अथवा नहीं। सरकारी प्रयोगशालाएं मिट्टी को जांचने में उनकी मदद करती हैं। यहाँ कृषकों के पास मृदा प्रबंधन तथा कीटों के बचाव के भी प्रभावी उपाय होते हैं। उन्हें वैज्ञानिक सलाह भी प्रदान की जाती है जिनके आधार पर वे खादों का उपयोग करते हैं। उन्हें सरकारी एजेंसियों से सर्वोच्च बीज की भी उपलब्ध कराए जाते हैं। यहाँ कृषि पूर्णतः यंत्रीकृत होती है। वे विभिन्न कृषि कार्यों के लिए मशीनों जैसे ट्रैक्टर, बीज ड्रिलिंग, कंबाइन, हार्वेस्टर तथा थ्रेसर का उपयोग करते हैं। सरकार उन्हें सभी प्रकार की कृषि कार्य सुविधाएं प्रदान कराने के साथ ही कृषि उत्पाद को संग्रहित, संशोधित तथा स्थानांतरित करने में भी उनकी सहायता करती है। देखिए, जो हमने अभी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में पढ़ा, वहाँ देखा कि जो सरकार थी वो उन्हें किस तरीके से हेल्प कर रही है। वहाँ जो मशीन है या आधुनिकीकरण कह लीजिए, जो यंत्र है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रचलित है। हर कृषि का मोस्टली कार्य वो मशीनों द्वारा करते हैं। अब देखिए भारत में कृषि का क्या स्थिति है। भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ एक उत्तरी मैदानों में स्थित कृषि क्षेत्र के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ मिट्टी जलोढ़, गहरी तथा उपजाऊ है। यहाँ कृषि क्षेत्र के निकट सिंचाई के लिए नहरों का प्रबंध है, किंतु कृषकों ने सिंचाई की अन्य सुविधाओं के रूप में अपने खेतों में ट्यूबवेल लगवाए हैं। ये ट्यूबवेल किसी किसान या आसपास के खेतों के कई किसानों द्वारा मिलकर लगवाए गए हैं। इस कृषि क्षेत्र की माप 4.5 हेक्टेयर है, जबकि भारत में किसी क्षेत्र की औसत माप 2.3 हेक्टेयर है। इन खेतों के स्वामी किसान हैं जो निकट स्थित ग्राम में अपने परिवार तथा अन्य किसानों के साथ रहते हैं। ये अपने खेतों को कई भूभागों में बांटकर उनमें कई प्रकार की फसलें बोते हैं। यह वर्षा के मौसम से जून अक्टूबर चावल तथा सर्दी में नवंबर से अप्रैल गेहूं बोते हैं। ये गांव के प्रौढ़ व्यक्ति या सरकारी कृषि विशेषज्ञ जो समय समय पर गांव में आते हैं से कृषि संबंधी सलाह लेते हैं। ये गाय, भैंस, मुर्गी आदि पालते हैं जो इनकी आय में वृद्धि करते हैं। ये पड़ोस के नगर के सरकारी संग्रहालय में दूध बेचते हैं। सरकारी समिति जंतुओं की उचित देखभाल के लिए इन्हें दिशा निर्देश देती है। ये गांव की सहकारी समिति या धनी किसानों से मशीनें जैसे ट्रैक्टर व थ्रेशर किराए पर लेते हैं। यहाँ कृषि संबंधी अधिकांश कार्य श्रमिक शारीरिक श्रम पर आधारित होते हैं, जिनके लिए ये अपने गांव या आसपास के गांवों से श्रमिकों को रखते हैं। ये कृषि कार्यों में अपने परिवारजनों को भी सहायता लेते हैं। खेतों में ट्यूबवेल होने के बाद भी विद्युत आपूर्ति की स्थिरता के कारण इन्हें रात्रि के समय या सुबह जल्दी उठकर खेतों में सिंचाई के लिए जाना पड़ता है। अधिकांश भारतीय किसान मिट्टी की गुणवत्ता के बारे में नहीं जानते। उनके पास अतिरिक्त तथा आधुनिक गोदामों की सुविधाओं का भी अभाव होता है। यहाँ किसान खाद, कीटनाशक तथा ट्रैक्टर खरीदने के लिए जमींदारों से ऋण लेते हैं। इनका भुगतान ये फसल की कटाई पर करते हैं, किंतु अधिकांश किसान इस ऋण को चुकाने में असफल हो जाते हैं। इस कारण ये अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सक्षम नहीं हो पाते। आजकल इन्हें बैंकों तथा कृषि सहकारी समिति से ऋण मिल सकता है, किंतु ऋण प्राप्ति की प्रक्रिया अत्यधिक जटिल है, जिसे पूरे करने में इनका बहुत समय नष्ट हो जाता है। ये अपने उत्पाद को निकट स्थित नगरों की मंडी या बाजार में बेचते हैं। वहाँ ये प्राय व्यापारियों द्वारा शोषित किए जाते हैं। कुछ सरकारी खरीद एजेंसियाँ भी होती है, किंतु उनकी प्रक्रिया अत्यधिक जटिल है। उनके पास उत्पादों को संग्रहित करने के लिए गोदामों का अभाव होता है। देखिए, हमारे जो भारत में है, सरकार इनकी मदद तो करती है, लेकिन जो सरकारी प्रक्रिया है वो काफ़ी यहाँ पे आपको बताई गई है कि जटिल है। जैसे लोन लेने की है,
और सब्जियों को बेचने की है। तो यहाँ पे जो हमने संयुक्त अमेरिका में पढ़ी थी, वहाँ पे सरकार उनकी जगह जगह मदद कर रही थी और काफ़ी इजी बना रही थी उनको कृषि के लिए। लेकिन जो भारत है, भारत में जो हमारी सरकारी संस्थान है वो क्या होती है, थोड़ा उनसे संपर्क कर पाना या उनसे सहयोग ले पाना थोड़ा जटिल होता है, उसमें अधिक समय लग जाता है। इसलिए लोग बाग उनके बिना हेल्प के ही कृषि करना ज़्यादा पसंद करते हैं। और इनके पास क्या होता है, जो सरकारी एजेंसी होते हैं गोदामों का भी अभाव होता है, तो ये अधिक मात्रा में भी सामान नहीं खरीद पाती। अतः किसान व्यापारियों को सस्ते दामों में अपने उत्पाद बेचने पर वो मजबूर हो जाते हैं। किसानों के पास कृषि के आधुनिक यंत्र खरीदने के लिए पर्याप्त धन नहीं होता। इस समस्या के समाधान हेतु सरकार इन्हें आसान ऋण उपलब्ध कराने का प्रयास कर रही है, जो इन किसानों के लिए कुछ हद तक सहायक रहा है। फिर भी इसके लिए और अधिक प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त किसानों के बच्चों के मध्य भूमि का बंटवारा, भूभागों का को और अधिक छोटा कर देना जिस पर फसल उगाना लाभकारी नहीं होता। हालांकि केंद्रीय तथा राज्य सरकारों द्वारा किए गए प्रगतिपूर्ण प्रयासों के माध्यम से स्थिति में अब धीरे धीरे सुधार आ रहा है, लेकिन सरकार निरंतर प्रयास कर रही है ताकि यहाँ पर भारत में भी कृषि की जो व्यवस्था है उसे सुधारा जा सके और धीरे धीरे जो किसानों की स्थिति है और जो यहाँ कृषि की व्यवस्था है वो भी सुधर रही है। चलिए आगे पढ़ते हैं। किसानों की स्थिति को सुधारने के लिए अन्य बहुत से प्रयास भी किए गए हैं, जैसे जमींदारों की समाप्ति, भूमिकरण का एकीकरण, प्रमुख सिंचाई परियोजनाओं का निर्माण, उत्तम गुणवत्ता वाले बीजों का विकास, जैविक तथा रासायनिक खादों का उपयोग, आधुनिक यंत्रों तथा मशीनों जैसे ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, थ्रेशर आदि का विकास व प्रयोग। देखिए भारत में भी क्या हो गया, मशीनों का प्रयोग होने लगा है जिससे कृषि करना और भी आसान होता जा रहा है और उत्पादन जो क्षमता है वो क्या हो रही है, हमारी बढ़ रही है। इन सभी उपायों ने भारत को एक समय पर अपनी जनसंख्या के भरण पोषण के लिए खाद आयात पर निर्भर रहने वाले देश के खाद उत्पादन में आत्मनिर्भर तथा अन्य देशों में कृषि उत्पादन को निर्यात करने वाला देश बनाया है। कृषि व इसके संबंधित क्रियाकलाप भारत की लगभग 38% GDP यानी सकल घरेलू उत्पाद बनाते हैं। हालांकि हमारे द्वारा प्राप्त की गई नई सफलता के पश्चात हम आलस करके नहीं बैठ सकते, क्योंकि किसान आज भी निरंतर समस्याओं से जूझ रहे हैं तथा आत्महत्या कर रहे हैं। इन परिस्थितियों से निजात पाने के लिए बहुत से प्रयास किए गए हैं, किंतु अभी और अधिक प्रयासों की आवश्यकता है। भारत में हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप कृषि पैदावार में बढ़ोतरी हुई है, किंतु इससे पारिस्थितिकी तथा पर्यावरण संबंधित अनेक समस्याएं भी उत्पन्न हुई है, जैसे भूमि साधन का निम्नीकरण, जलराशियों का प्रदूषित होना तथा वनस्पति व जंतु जीव जंतुओं पर हानिकारक प्रभाव। अतः ऐसे प्रयास किए जाने की आवश्यकता है जिससे सभी क्षेत्र विकसित हो, न कि किसी एक क्षेत्र का विकास किसी अन्य क्षेत्र की हानि पर। तो देखिए यहाँ पर हमें बताया गया है कि भारत में जो कृषि व्यवस्था है वो किस प्रकार की है। भारत में सरकार द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं कि जो कृषि की व्यवस्था उसे सुधारा जा सके। कुछ सुधार हुए भी हैं और थोड़ी और करने की आवश्यकता है, जिससे भारत जो है कृषि की जो व्यवस्था है उसको सुधार कर उत्पादक को बढ़ाया जा सके। चलिए आज के लिए इतना ही। इसके चैप्टर के जो नोट्स हैं मैं आपको नेक्स्ट जो आपका टर्न होगा वो मैं आपको भेज दूंगी, ठीक है। बुक एक्सरसाइज को बुक में ही करें, कॉपी में आपको वन वर्ड्स और जो आपके अंतर हैं और लघु हैं दीर्घ हैं वो करने हैं। चलिए थैंक यू।